आवाज़ियों से महकूम आकाश न्यासी नाजिम जे मनाजर हैं गुजरात के DPO ऑफिस के। DPO ऑफिस के बाहर जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं ये जिला भर के डॉक्टर्स हैं जिन्होंने आज एक मजमती इजलास और एक कन्वेंशन मुनक्कद किया था अजीज भट्टी शहीद अस्पताल में, जिसमें हजारों डॉक्टर्स ने शिरकत की और ये रैली निकालते हुए तमाम डॉक्टर जो है अजीज भट्टी अस्पताल से बिम्बर रोड से होते हुए बिल्कुल DPO ऑफिस कचहरी के पीछे पहुँच चुके हैं, जिसमें हवा टीम जो है ये भी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है और हाथ पर डॉक्टर ये DPO गुजरात जो है से गजम्फर अली शाह से मुलाकात करने चाहते हैं, मगर इस सिस्टम में अभी तक हम देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया गया है और किसी सूरत की यहाँ पर जो है दरवाजा खोला नहीं जा रहा। डॉक्टर्स की जानिब से यहाँ पर DSP सिटी जो है परवेज गोंदर पहुंचे हैं, उनके साथ कुछ मुजाकरा हुए, मगर डॉक्टर की जानिब से एक ही मुतालबा है कि फौरी तौर पर DPO गुजरात जो है वो यहाँ पर आए और खास तौर पर इस मरकजी गेट को खोला जाए ताकि DPO गुजरात से ये जो अपने मुतालबा पेश करना चाहती है उनको पेश किए जाए, मगर इस वक्त पंजाब पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है और इसके साथ साथ एक ही मुतालबा है कि डॉक्टर अब्बास कोंदर जो है इनके मुलजमान क्यों गिरफ्तार नहीं किए जा रहे। हम आपको बताते चले कि एक हफ्ता कबल गुजरात के इलाका गुलियाना के गांव वहां पर डॉक्टर अब्बास कोंदर जो है उनकी गाड़ी पर हमला किया गया था मुसल्ला अफराद डॉक्टर अब्बास चौधरी पर। डॉक्टर अब्बास चौधरी जो है इस वक्त जिंदगी और मौत की कश्मकश में एक मुकामी अस्पताल में जो है जेर इलाज है और डॉक्टर की जानिब से ये ही मुतालबा है कि मुलजमान जो है जिनकी अबूरी जमान पे करवाई गई है वो भी इल्जाम पुलिस पर लगाया जा रहा है और ये वहाँ कर मुतालबा किया जा रहा है कि जो मरकजी मुलजमान है साकब गुजर राशिद वसीम वगैरह इनकी फौरी गिरफ्तारी अमल में लाई जाए। और हम आपको बताते चलेंगे अभी जो है डॉक्टर्स की जो क्यादत है उनकी जानिब से डेडलाइन दे दी गई है कि अगर चंद मिनट के अंदर जो है इस दरवाजे को नहीं खोला गया तो डॉक्टर जो है अपना लास्ट इकदाम आखिरी इकदाम भी उठाएंगे जिसके खतरनाक नतीजे सामने आ सकते हैं। क्या है, देश मां।